दोस्तों, यदि आपका कोई फेसबुक आईडी है और आप अपने फ़ोन से अपने फेसबुक आईडी को लॉग आउट कर चुके हैं और ऐसे में फिर से आप अपने फ़ोन में अपने फेसबुक आईडी को लॉग इन करना चाहते हैं और ऐसे में आप अपने फेसबुक आईडी का जो पासवर्ड होता है उसे आप भूल चुके हैं, तो कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है उसे रिसेट करके नया पासवर्ड बना सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो पर बताऊँगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपका फेसबुक अकाउंट जिस ईमेल से खोला है, मतलब आप अपने फेसबुक अकाउंट को मोबाइल नंबर से खोला है या फिर ईमेल आईडी से खोला है, तो वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी के अलावा आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड रिसेट नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड रिसेट करके नया पासवर्ड बना सकते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लाल बटन को प्रेस करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसको नोटिफाई कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। तो आप जैसे ओपन करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड योर अकाउंट, तो आपको बस सिंपली से फाइंड योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालना है, जिस मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो मेरा अकाउंट मोबाइल नंबर से बना हुआ है तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दूंगा। उसके बाद क्या करना है, आपको फाइंड योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना फेसबुक आईडी का नेम और लोगो दिखाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नीचे आप देख सकते हैं कन्फर्म वी हैव SMS, मतलब इस नंबर पे एक OTP जाएगा। ठीक है, और यदि आपने ईमेल डाला है तो ईमेल पर आपको एक SMS कर दिया जाएगा जिसमें आपको OTP मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आपके ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे जो OTP गया है वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना OTP डाल दूंगा, जो OTP मुझे फेसबुक की तरफ से इस नंबर पर भेजा गया है। तो आप भी यहाँ पर अपना OTP को डाल दीजिएगा, और यदि OTP नहीं गया है तो आप फिर से सेंड SMS अगेन करके फिर से आप OTP ले सकते हैं। ठीक है, तो OTP डाल देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कीप मी लॉगिन पे टिक मार्क करके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं, और नीचे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिए गए है, लॉग मी आउट ऑफ अदर डिवाइस। इसका मतलब है कि यदि आपके फेसबुक आईडी किसी और का डिवाइस पे लॉगिन है, मतलब खोला हुआ है, तो यदि आप इस पर टिकमा करके कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यदि किसी और के डिवाइस पर आपकी फेसबुक आईडी खोला हुआ है तो वो लॉग आउट हो जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लॉग मी आउट ऑफ अदर डिवाइस पर टिकमा करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं क्रिएट ए न्यू पासवर्ड, और नीचे आप देख सकते हैं ट्राई पे न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको अपना फेसबुक आईडी का न्यू पासवर्ड डालना है, जो कि 6 डिजिट का होना चाहिए। 6 डिजिट से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन 6 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए आपका पासवर्ड। ठीक है, तो आप अपने मनपसंद का कोई एक पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमेंबर योर पासवर्ड, मतलब आपको फिर से यहाँ पर अपना पासवर्ड दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड को ठीक से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ओके पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो फेसबुक आईडी है वो ओपन हो जाएगा अपने न्यू पासवर्ड के साथ। और उसके बाद यदि आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग आउट कर देते हैं तो फिर से आप अपना ईमेल आईडी और न्यू पासवर्ड डाल के अपना फेसबुक आईडी को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड रिसेट करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आपको करना कुछ नहीं, बस नीचे लाल बटन को प्रेस करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए, क्योंकि हम इसी तरह से डेट वीडियोज़ आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।